हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग बात करेंगे कि फीवर में जो है एक पेशेंट की नर्सिंग केयर कैसे करेंगे। ऑलरेडी आप लोग को पता है कि फीवर क्या होता है। फीवर राइज्ड बॉडी टेम्परेचर होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से जब इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, देन उसको फीवर बोलते हैं, ज्वर या बुखार। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक पेशेंट को नर्सिंग केयर कैसे देते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए। सो यू हैव टू कीप 7 पॉइंट्स इन योर माइंड टू केयर द फीवर पेशेंट। फर्स्ट है रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर फोकस करना है। सो पेशेंट को, जो पेशेंट है उसका सबसे पहले तो हमें इन्वायरमेंट चेक करना चाहिए कि वो कौन से इन्वायरमेंट में है, और उसको मेंटेन करना चाहिए। सो जो फीवर पेशेंट का इन्वायरमेंट है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड। देन आफ्टर दैट वी हैव टू गिव सम कोल्ड ड्रिंक्स टू द पेशेंट और फ्लूड, आईवी लाइन वी कैन गिव। उसके बाद हम लोग जो पेशेंट है, आईवी लाइन में एनएस और आरएल वी कैन गिव। जो फीवर पेशेंट है उसको हम लोग कोल्ड इन्वायरमेंट में रखने के साथ साथ जो है, जो पेशेंट है उसको स्पंजिंग देना है, और स्पंजिंग के टाइम इफ पेशेंट शिवरिंग फील कर रहा है देन फैन ऑफ करना है। और फैन ऑफ करने के बाद अगर आफ्टर दैट भी अगर पेशेंट फील कर रहा है शिवरिंग स्टॉप करने के लिए आपको स्पंजिंग स्टॉप करना है। उसके बाद बेड बाथ यू कैन गिव इन नॉर्मल टेम्परेचर, वी कैन गिव बेड बाथ टू क्लीन द पेशेंट। उसके बाद हम लोग जो टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, हम अगर 99.6 हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, देन वी कैन स्टॉप द स्पंजिंग एंड बेड बाथ ऑल्सो, एंड नो नीड देयर मेडिसिंस ऑल्सो। उसके बाद हम लोग को पेशेंट के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, मेंटेन द न्यूट्रिशन पैटर्न ऑफ द पेशेंट। न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन के लिए जो अगर हमारी बॉडी में 1 फॉरेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ 13% ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है टिश्यूज का। सो इसलिए हमें हाई कैलोरी रिच डाइट की नीड होती है। देन इसके साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्लो वर्क करता है, तो इसके लिए हमें फ्लूड डाइट देना ज़रूरी होता है। और फ्लूड डाइट क्या है, हाई कैलोरी रिच डाइट होनी चाहिए। सो वी हैव टू फोकस हाई कैलोरी रिच डाइट, और जो पेशेंट है उसको फ्लूड ज़्यादा से ज़्यादा देना है डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए। और फीवर में एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, सो वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा फ्लूड। सो 3000 ml फॉर 24 आवर वी कैन इंक्रीज द फ्लूड, सो दैट पेशेंट कैन रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है। रेस्ट एंड स्लीप जब हम लोग पेशेंट फीवर में है तो फोकस करना है कि ब्राइट लाइट नहीं होना चाहिए, ग्लेयर नहीं होना चाहिए, और जिस इन्वायरमेंट में पेशेंट है वो क्वाइट और काम होना चाहिए। सो देन पेशेंट कैन फील रेस्ट एंड स्लीपी ऑल्सो। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट है, हम लोग को फोकस करना है सेफ्टी फैक्टर्स पे। सेफ्टी फैक्टर्स मीन्स पेशेंट को राइगर और कन्वर्जन हो सकता है ड्यूरिंग द फीवर। सो एक जो नर्स है उसको हमेशा रेडी होना चाहिए उस एक्ट के लिए कि अगर पेशेंट को कन्वर्जेंस होता है या राइगर होता है तो जो एक नर्स है उसको केयर करना है पेशेंट की। जो पेशेंट है जब उसको कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन मीन्स झटके आते हैं, जब पेशेंट को झटका आता है तो क्या करना है, पेशेंट को जो रेल है साइड रेल से बेड की उसको अप करके रखना है, पेशेंट को टाइट करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को बांध करके रखेंगे तो मे बी फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं। सो सिर्फ साइड रेल अप करके रखना है और पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, और जब पेशेंट काम हो जाए तो पेशेंट को क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है उस टाइम पे। उसके बाद सेफ्टी फैक्टर्स के बाद हम लोग को माइंड में एक चीज़ और रखनी है कि जो पेशेंट है उसको जब पेशेंट सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट का, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के लिए हमें वाइटल साइंस लेना है, वाइटल साइंस के टाइम पे पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड बीपी सारे इंक्लूड होना चाहिए। टेम्परेचर मेनली हमें चेक करना है और रिकॉर्ड करना है 1 आवरली। उसके बाद जब पेशेंट प्रोग्रेस, डिजीज कंडीशन अगर वर्स हो रही है तो 10 to 15 मिनट्स में भी हमको टेम्परेचर लेना है। अगर पेशेंट का कंडीशन सही हो रहा है देन हमको 3 आवरली हम लोग को टेम्परेचर उसका लेना है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर वी कैन गिव पैरासीटामोल टू द पेशेंट टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद केयर इन राइगर,
राइगर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर इन विच देर आर थ्री स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज कोल्ड स्टेज, सेकेंड इज हॉट एंड लास्ट वन इज स्वेट स्टेज. जो कोल्ड स्टेज है उसमें पेशेंट को शिवरिंग के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है. सो पेशेंट को शिवरिंग हो रहा है इसलिए हम लोग पेशेंट को स्पंजिंग नहीं देंगे. उस टाइम पे ब्लैंकेट्स देना है, फैंस ऑफ रखना है और जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल रखना है उसकी पोजीशन पे. और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है राइगर्स में, वो है हॉट स्टेज. हॉट स्टेज में पेशेंट को क्या होगा कि वार्म फील होगा. देन उस टाइम पे जो ब्लैंकेट्स हमने पेशेंट को दिए हैं वो रिमूव करना है. पेशेंट को उस हॉट स्टेज के लास्ट जो टाइम होगा उसमें क्या होगा, पेशेंट को स्वेटिंग स्टार्ट होगा. तो उसके बाद ये जो लास्ट स्टेज है इसमें वो स्वेटिंग स्टेज है. स्वेटिंग स्टेज में पेशेंट को क्या करना है कि कॉटन का ब्लैंकेट देना है. उसका जो जो उसने क्लॉथ्स पहन रखे हैं उसको कॉटन के होने चाहिए उसके. और उस टाइम पे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है. देन आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट इन फीवर. बिकॉज जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है इसके लिए हमें रिकॉर्ड्स चाहिए होगा. देन आफ्टर दैट वी विल प्लान फॉर द नेक्स्ट बाई सीइंग द टेम्परेचर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग. So these are the point you have to keep in mind in care of the fever patient. So there are types in the fever also. So जो राइगर है उसमें जो है हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखना होता है कि कन्वर्जन्स तो नहीं आ रहे हैं पेशेंट को. अगर कन्वर्जन्स आते हैं तो हमें क्या करना है, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना है. सो ये था केयर ऑफ नर्सिंग, केयर ऑफ द पेशेंट इन द फीवर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू क्लास.